विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत बहुसांस्कृतिक अनुभवों की एक सुंदर चित्रावली प्रस्तुत करता है। समृद्ध धरोहरों एवं असंख्य आकर्षणों के साथ यह देश दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक गंतव्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य समृद्ध संस्कृति, विरासत एवं आकर्षक प्राकृतिक विविधता से संपन्न है। 10,000 वर्षों पुरानी सभ्यता के साथ भारत के केंद्र में स्थित यह आश्चर्यों से भरा राज्य उन पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है जो प्राचीनता का अनुभव करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ एक विशिष्ट भारतीय अनुभव प्रदान करता है। देश के सबसे विस्तृत झरने, गुफाएं, हरी भरी जंगल, प्राचीन स्मारक, दुर्लभ वन्य जीव, उत्कृष्ट नक्काशीदार मंदिर, बौद्ध स्थल और पहाड़ी पठार इस राज्य में विद्यमान है। छत्तीसगढ़ में 80% से अधिक जैव विविधता पाई जाती है जो पूरे देश में कहीं भी नहीं पाई जाती। 32% जनजातीय आबादी के साथ इस राज्य का 44% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है जो अद्वितीय आदिवासी कला, शिल्प और परंपराओं की खोज करना चाहते हैं। सदियों से इसके आदिवासी समुदाय ने पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं के माध्यम से प्राकृतिक आवास को पोषित एवं संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ में पर्यटकों को कला और वास्तुकला, विरासत, हस्तशिल्प, व्यंजन, मेले एवं त्यौहार जैसा बहुत कुछ देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ का उल्लेख अनेक कथाओं में मिलता है जिनमें भारत के 2 महान महाग्रंथ रामायण एवं महाभारत भी शामिल है। भारत का सबसे चौड़ा झरना चित्रकूट भी इसी राज्य में है। मानसून में जब इंद्रावती नदी पूरे प्रवाह में होती है तब बस्तर जिले में यह स्थित जलप्रपात 980 फुट चौड़ा हो जाता है। छत्तीसगढ़ में देवी देवताओं और कई मंदिरों की विरासत है। पुराने एवं आधुनिक दोनों प्रकार के इन मंदिरों में सारे साल भक्तों, तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का तांता लगा रहता है। सिरपुर के बौद्ध स्थल पर हर साल होने वाला वार्षिक भव्य आयोजन सिरपुर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह राज्य जीवन के आधुनिक एवं पारंपरिक तरीके का एक उत्सुकतापूर्ण मिश्रण प्रस्तुत करता है। आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ परिवार की तरफ से हम सभी आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जय जय।